हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ ओखला फेस टू दिल्ली में है, एक मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में, जहाँ पर आपको स्कूटर, बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल सभी चीजें मिलने वाली हैं। और शोरूम का नाम है इलेक्ट्रिक पर्पल मोबिलिटी। और आज हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिक साइकिल का, बोल सकते हैं लोडर भी बोल सकते हैं या बाइक भी बोल सकते हैं। तो पहले आपने सुना होगा कि गेट सेवन, जो कि काफी सफल रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लोग बहुत लाइक करते थे उसको, उसी पर बेस्ड लॉन्च किया गया है गेट फाइव। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि उसका मॉडल कैसा मिलता है, उसमें फीचर्स क्या क्या ऐड ऑन किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सब कुछ जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एसएल एनर्जी के गेट फाइव का, जो कि हमारे सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में। और साथ में ही आपको गेट सेवन ही मिल जाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल रहा है ये गेट सेवन। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में, तो वॉक अराउंड करते हैं। तो फ्रंट लुक इसका देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मिलने वाला। फ्रंट में हेडलैम्प इस तरीके से दिया गया है एलईडी लाइट में। और राइट साइड से देखते हैं, तो राइट साइड से इसका लुक डिजाइन आप देख सकते हैं, ये रेड कलर में मिलने वाला, जो काफी अट्रैक्टिव कलर हो जाता है। यहाँ पर आपको स्टिकर वर्क, ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। और रियर से देखते हैं, तो रियर से इसका लुक डिजाइन आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से ये इलेक्ट्रिक साइकिल आपको ऐसे दिखने वाली है, जैसे कि राइट साइड आपको स्टिकर वर्क मिल रहा था। और बैटरी इसका यहाँ पर आ जाता है, जहाँ ब्रांडिंग भी देख सकते हैं एसएल एनर्जी का। तो हमारे साथ है राज भाई, आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इनसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और ये किस तरीके से अलग है गेट सेवन से और ये गेट फाइव। तो पहले मैं जान लेते हैं कि गेट सेवन और गेट फाइव में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, मतलब ये किस तरीके से उससे अलग है। देखिए सर, सबसे पहले अगर चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले इसका टोटल डिजाइन जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, लुक ही पूरा चेंज हो गया, थोड़ा ये आपको मस्कुलर लुक में मिल जाता है। जी, ये आपको अगर बात करूं तो ये थोड़ा यंगस्टर्स की पसंद का हो जाता है जी, और वो थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाता है। हाँ, यहाँ साइड में ये, तो हम कंपेयर करना भी थोड़ा आसान हो जाता है जी, देखने जी, में। जी 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 वो थोड़ा ट्रेडिशनल लुक है उसके अंदर, ये थोड़ा हाँ, स्पोर्ट्स लुक है, स्पोर्टी लुक में आ जाता है, थोड़ा यंगस्टर्स के लिए ज्यादा उनको सूट करता है। है। राइट राइट। और चेंजेस में क्या किए गए हैं इसमें? और चेंजेस सर इसके अंदर, इसकी जो मजबूती है पहले से वो और बढ़ाई गई है। हाँ, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये आई थिंक अलॉय फ्रेम है जी और यहाँ पर डुअल कर दिया गया है, तो इसका ड्यूरेबिलिटी यानी कि मजबूती जो है और भी बढ़ जाती है इसकी। जी 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 तो और क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं इसमें? और सर देखिए, इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है आगे भी और पीछे भी, यानी ब्रेकिंग रियर में भी, सिस्टम फ्रंट इसमें? में भी, रियर में भी, दोनों में आपको डिस्क ब्रेक सिस्टम मिलता है। अच्छा, ब्रेकिंग सिस्टम इसमें काफी अच्छा कर दिया गया है कि फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। जी सर। ओके, तो चलिए अब हम इसका फीचर्स देख लेते हैं। चेंजेस तो हमने जान लिया कि गेट सेवन और गेट फाइव में क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या अपडेट किया गया था। इसमें हेडलैम्प वगैरह में कैसा मिल जाता है? आई थिंक ये तो क्रोम ही, हाँ ये क्रोम फिनिश के साथ राउंड शेप में आ जाता है। लाइट क्या इसमें एलईडी में मिलता है जी क्या? मैं सर, एलईडी लाइट मिलता है इसके अंदर। देखिए, ऑन करने के साथ ही एक बार ऐसे करें, ये डीआरएल आ जाता है राउंड शेप में इस तरीके से देखेंगे तो, और ये आ जाता है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ऑन होने के बाद इसका रोशनी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि आप अंधेरे में भी जाते हैं, रात्रि है, रूरल एरिया में है, तो भी आपको रोशनी से रिलेटेड परेशानी नहीं आएगा। तो ऊपर का डिजाइन ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलता है। इसमें भी देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है इसके मीटर कंसोल में। और फ्रंट में यहाँ पर एसएल एनर्जी का ब्रांडिंग किया गया है लोगों के साथ, और ये आ जाता है इसका मडगार्ड। ये मडगार्ड एलॉय में, स्टील में कह सकते हैं, स्टील में दिया गया है इसको, ब्लैक कलर मेटल में दिया गया, और यहाँ पर आपको स्टिकर वगैरह मिल जाता है एसएल एनर्जी का। तो राज भाई, इस पे टायर वगैरह कैसा मिलता है हमें, साइज कैसा मिलता है? और सर, 25 इंच का स्टैंडर्ड टायर मिलता है आपको साइकिल का, जो कि पूरे इंडिया में हर जगह अवेलेबल है जी। और इसके अंदर आपको राल्सन कंपनी, जो कि एक बहुत नामी कंपनी है टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसका आपको टायर मिलता है। यानी आपको प्रीमियम क्वालिटी का आपको ट्यूब टायर मिलने वाला है। और रिम इसका एल्युमिनियम भी लेद दिया गया है स्पोक्स के साथ, कुछ इस तरीके से डिजाइन देख सकते हैं ब्लैक कलर में। और ये टायर का पैटर्न देखेंगे तो ये थोड़ा ब्लॉक पैटर्न में दिया गया है, जिससे कि अगर ऑफ रोडिंग भी करते हैं सामान वगैरह लेकर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, स्केटिंग वगैरह नहीं होगा, काफी अच्छा हो जाता है। फ्रंट में सस्पेंशन दिया गया है जी, क्या? जी जी फ्रंट में सस्पेंशन दिया गया है, काफी हैवी। अच्छा, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है फ्रंट में, दोनों साइड से इस तरीके से देख सकते हैं, जिससे कि जर्क वगैरह कम से कम आए, यानी कि आप लंबी राइड भी करते हैं तो आपकी राइड जो है सस्पेंशन वगैरह होने से क्या है, ये कंफर्टेबल हो जाता है। अगर नॉर्मल साइकिल होता है तो उसमें आपको फील किया होगा कि जर्क वगैरह थोड़ा आपको ज्यादा आता है, राइट। और इसकी सस्पेंशन के साथ ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टिकर वर्क मिल जाता है एसएल एनर्जी का, और साथ में स्पोक्स के साथ आपको ये दिए गए हैं साइड रिफ्लेक्टर, जैसे क्या होता है रात होता है नहीं दिखता है, तो इससे क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, आपका रोड पर प्रेजेंस जो है विजिबल रहेगा, अंधेरे वगैरह में एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होंगे, सेफ्टी के लिए काफी अच्छा हो जाता है। अब हम इसका ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं,
और इसके कैलिपर की बात करें तो ये ट्राई ब्लेड का आपको कैलिपर दिया गया यहाँ पर छोटा सा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो डिस्क ब्रेक हो जाने से क्या है कि सेफ्टी आपका एक स्टेप और भी बढ़ जाता है, यानी ब्रेक जहाँ अप्लाई करेंगे सडनली स्टॉप हो जाएगा तो स्किडिंग वगैरह या गिरने के भी चांस नहीं होंगे। और साथ में इसमें ब्रेकिंग सिस्टम में एक अच्छी बात यह है कि जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मोटर जो है इसका ऑटो कट हो जाता है, इसकी बैटरी भी डिस्चार्ज कम होगी और आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाती है। फ्रंट तो हमने देख लिया, इसका सस्पेंशन ब्रेक और टायर वगैरह सब कुछ देख लिया कैसा मिल रहा था। अब आ जाते हैं साइड में, तो साइड से इसका आप फ्रेम देखेंगे तो फ्रेम इसका आपको मेटल में दिया गया है, अलॉय में दिया गया है जो कि काफी मजबूत है। और इस पर आपको स्टिक वर्क भी मिल जाता है जिससे कि एक स्पोर्टी लुक इस साइकिल को मिल सके, या लोडर भी बोल सकते हैं, बाइक भी बोल सकते हैं इसको आप। SL एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ मिलने वाला, और सेंटर में आपको SL लिखा हुआ इस तरीके से डिजाइन के साथ दिया गया है। और यहाँ पर दो लेवल दे दिया गया है, इससे क्या है कि इसका स्ट्रेंथ जो है और भी बढ़ जाता है। और यह आ जाता है इसका पैडल जिसके ऊपर भी आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। राज भाई, क्या इसमें पैडल असिस्ट दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, पैडल असिस्ट है इसके अंदर। तो पैडल असिस्ट को एक बार थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि पैडल असिस्ट एक्चुअल में होता क्या है, पैडल असिस्ट एक्चुअली इसके अंदर एक क्या कहते हैं, एक पार्ट होता है जिससे कि क्या होता है, जब हम गाड़ी ऑन करके अगर इसके अंदर पैडल मारते हैं तो आपकी मान लीजिए नॉर्मल साइकिल में एक पैडल मारने पे गाड़ी 10 मीटर जाती है जी। तो पैडल असिस्ट होने के बाद वही गाड़ी एक पैडल में 30 मीटर जाती है, यानी कि 3 times, यानी कि एफर्ट आप थोड़ा देंगे तो 3 times आपका एफर्ट बढ़ जाता है, मतलब मूवमेंट बढ़ जाता है। ये भी काफी अच्छा फीचर हो जाता है कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है रास्ते में कहीं, तो आप इसको पैडल के थ्रू ही आप आराम से चल सकते हैं, कम एफर्ट देंगे दूर ज्यादा जाएंगे। और यहाँ पर आ जाता है इसका बैटरी, बैटरी को भी हम खोलकर दिखाएंगे। यहाँ से कनेक्शन किया गया है इसका, और ये आ जाता है इसका चेन जो पेडल को आप चलाएंगे अगर साइकिल की तरह यूज करते हैं तो ये काम आ जाएगा। और इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर, जैसे प्लेन राइडर कोई बैठता है तो यहाँ फुट रेस्ट का काम करेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो रियर व्हील के साथ ही इसका मोटर दिया गया है, इसके अंदर BLDC हम मोटर मिलता है, 250 वाट में मिलने वाला है जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि आप रेनी सीजन में भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, डस्ट वगैरह में भी आप चल रहे हैं जैसे ऑफ रोड भी कर रहे हैं तो मोटर को कोई खराबी नहीं आने का है। और रियर टायर का साइज भी मुझे लगता है सेम है क्या राज भाई, इसका रियर टायर का साइज भी सेम ही मिलने वाला हमें? यस यस सेम साइज है, 25 inch डायमीटर में रियर टायर भी मिलेगा, पैटर्न आपको टायर का वैसे ही मिलेगा जैसा कि फ्रंट मिल रहा था। और रियर साइड आ जाते हैं तो रियर से देखेंगे तो इसका डिजाइन वगैरह ऐसा मिलने वाला, ये आ जाता है इसका रिफ्लेक्टर, ये रियर मडगार्ड दिया गया है जिससे कि मड वगैरह कोई आ रहा है पीछे तो उसके ऊपर ना जाए। इसमें आ जाता है टेल लाइट और ब्रेक लाइट, एक बार लाइट को ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑन होने के बाद ये कैसा दिखता है। देखिए ब्रेक प्रेस करने के साथ ही टेल लाइट ब्रेक लाइट कुछ ऐसे विजिबल होने वाले हैं। और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से भी ऑलमोस्ट डिजाइन आपको राइट साइड जैसे ही मिलने वाले, साइड भी आपको स्टिकर वर्क मिल जाते हैं ऐसा एनर्जी का। और ये आ जाता है इसका बैटरी और सीट, वो इन सब चीजों को भी हम देखते हैं। और यहाँ पर दिया गया है डबल स्टैंड, यानी कि इसमें साइड स्टैंड ऑप्शन नहीं है, आपको डबल स्टैंड ऑप्शन मिलता है जो कि काफी स्टाइलिश है और बैलेंस्ड है, अगर सामान के साथ भी खड़ा करते हैं तो गिरेगा नहीं। अब हम इसके सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं तो ये आ जाता है राइडर के लिए सीट, इस तरीके का इसका डिजाइन किया गया है। सीट की क्वालिटी भी आपको थोड़ा अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है, प्रीमियम क्वालिटी का, ये स्टिचिंग वर्क दिया गया है। और पीछे ये दिया गया है कुछ इस तरीके से, इसकी खास बात है इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो राज भाई इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर हम लोडर के लिए यूज करते हैं जी तो बेसिकली ये जो साइकिल है डिलीवरी बॉयज के लिए काफी अच्छा होने वाला है, स्टाइलिश भी है स्पोर्टी भी है। यहाँ पर बॉक्स इंस्टॉल करके फूड डिलीवरी करना है या कोई सामान बैग वाला जो होता है, जो मैं कपड़े वगैरह की डिलीवरी करते हैं मिंत्रा से हो गया फ्लिपकार्ट से अमेजन से, उनके लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। इसको अंदर कर लेंगे, यहाँ पर बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं या बैग को रख करके आराम से कैरी कर सकते हैं। और दूसरा यूज ये है कि इसको आप बैक रेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, अभी एक्सेसरीज में कुशन फिट नहीं है, यहाँ पर कुशन लग जाएगा, कंपनी फिटेड ही आएगा और यहाँ पर इसको इस तरीके से करके भी कुशन दे देंगे तो यहाँ प्लेन राइडर का काम कर जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इस पर दो लोग बड़े आराम से एकदम रेस्ट करते हुए चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस सीट को एक बार हमें दिखाएंगे इसको कि सीट का को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये एडजस्टेबल है। देखिए सर, सीट इसकी एडजस्टेबल है, सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से जी। और अगर आपके आप इसकी बैटरी को डिटैच करना चाहते हैं तो इसकी बैटरी को भी डिटैच कर सकते हैं, यानी डिटैचेबल बैटरी है, आप चाहे तो अंदर से भी डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं अगर आपका सॉकेट दिया गया है नीचे तो। ये बैटरी में आपको लॉक भी मिलता है यहाँ पे, ये लॉक्ड होती है बैटरी आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि चोरी ना हो, ताकि चोरी ना हो, चोरी तो वैसे बहुत होती है तो सेफ्टी जरूरी है। जी 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 जी, ये देखिए ये आपकी अनलॉक हो गई बैटरी और आपकी आप इसकी बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं।
इस तरीके से इसका दिया गया है ग्लॉट कि आराम से इसको निकाल सकते हैं कंफर्टेबली अनलॉक करने के बाद, और इस तरीके से इसका पॉइंट दिया गया है कि इजीली ये नीचे स्लाइड भी कर जाएगा। जी जी जी। तो ये बैटरी में मिलती कैसी है? ये तो डिटेचेबल हमने देख लिया कि डिटेच करके कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट कहाँ से आ जाता है? इधर है सर, ये इधर। अच्छा, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया, यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, कनेक्टर भी यहीं से है और यहीं से चार्जिंग भी है? जी 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 जी, दोनों एक ही पॉइंट हो जाता है। जी जी जी। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो ये बैटरी में मिलती कैसी है? मतलब लिथियम आयन बैटरी है? लिथियम आयन बैटरी है सर, 48 वोल्ट 16 एच की बैटरी है। अच्छा, तो इसमें और भी कोई ऑप्शन है या 48 वोल्ट 16 एच में ये एक ही है? इसमें आपको 13 में भी मिल सकता है। 13 में भी मिलेगा, यानी कि दो मॉडल में अवेलेबल है। आपका बजट जैसा हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या रनअप जैसा हो उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगने वाला है? इसको चार्ज करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4 से 5 घंटे लगते हैं। और यूनिट कंज्यूम वगैरह कितना हो जाएगा? एक यूनिट मात्र। जी जी। चलिए, बहुत ही अच्छा है। फिर जैसा कि ऑलमोस्ट फीचर्स तो हमने देख लिया, अब यहाँ देख लेते हैं इसका मीटर कंसोल, हैंडल भी देख सकते हैं। इस तरीके से दिया गया है इसका, स्ट्रेट में ये थोड़ा जिगजैग में भी कह सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है इसका मीटर कंसोल, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। तो राज भाई, यहाँ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है? यहाँ सर अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है। हाँ, कनेक्ट करने के साथ कर रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, कनेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर हमें क्या क्या, यहाँ पे सर आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गाड़ी में कितनी बैटरी है अभी। जैसे कि ये 4 सेल है जी, एक सेल 25% बैटरी शो करता है। ओके। इस गाड़ी की रेंज 80 किलोमीटर, तो यानी कि एक सेल मतलब 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक सेल, 20 किलोमीटर आप चलेंगे तो एक सेल गायब हो जाएगा यहाँ से। ओके। फिर अगेन 20, फिर अगेन 20, फिर अगेन। अच्छा, 20 का जाता है। इसमें मोड वगैरह भी कुछ दिए गए हैं? हाँ सर, स्पीड मोड दिए गए हैं, 1, 2, 3 मोड दिए गए हैं इसमें। एक बार चेक करके दिखाएंगे मोड का, कि अलग अलग मोड में क्या क्या हमें स्पीड मिलता है। बिल्कुल, आपको अगर फर्स्ट मोड में चलाएंगे तो आपको 15 से 20 का स्पीड देगा जी, सेकंड मोड पे चलाएंगे 30 से 35 का स्पीड देगा। हाँ। और थर्ड मोड पे चलाएंगे 40 से 45 का स्पीड देगा। जैसा कि सारा डिटेल ही इस इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, जिसको कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक लोडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली डिलीवरी के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जैसे जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, उनके लिए काफी अच्छा हो जाने वाला है, कंफर्टेबल हो जाएगा। और साथ में आज बाइक भी आप यूज कर सकते हैं, आप कभी साइकिलिंग करने का मन किया तो वो भी कर सकते हैं, वो भी है ना, टू इन वन है जी। तो बाकी अब इसकी फीचर्स को देख लेते हैं, इससे कि चार्जिंग टाइम आप कितना बता रहे थे? 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे में हो जाएगा। और यूनिट कंज्यूम आपको एक यूनिट 1 से 1.5 मैक्सिमम होगा मुझे लगता है, 8-10 रुपए में। आप कितना रेंज कितना है इसका? 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर का, यानी कि 8-10 रुपए में आप 80 किलोमीटर जा सकते हैं। और इसमें टॉप स्पीड हमें कितना मिल जाता है? 40 किलोमीटर का। हाँ, तो इसमें हमें वारंटी वगैरह किस किस चीज पे मिलती है और कितने की मिलती है, कितने साल? देखिए सर, 2 ईयर की आपको बैटरी की वारंटी मिलती है इसमें जी, और 1 ईयर की पूरी गाड़ी की वारंटी है, पूरी गाड़ी की जी। मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, यानी बैटरी पे तो 2 साल का, 2 साल मोटर, कंट्रोलर और बाकी सारी चीज, सारे पार्ट्स पे 1 साल का। ओके ओके, ग्रेट। इसका चार्जर भी हमें दिखा देंगे क्या, किस साइज का आता है, कैसा आता है? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। तो देखिए राज भाई, चार्जर भी ला दिए हैं, तो इसमें हमें क्या कुछ मिल रहा है? इसमें की एक बार दिखा, गाड़ी की भी इसी में होती है। अच्छा, इसमें 2 की आपको स्टार्ट करने के लिए, 2 की आई थिंक बैटरी ओपन करने के लिए, बैटरी के लिए, राइट जी। इस टाइप में इसका चार्जर मिलता है, और चार्जर भी आपको पोर्टेबल मिल जाता है ठीक ठाक साइज का, कि आराम से आप कैरी कर सकते हैं। पॉइंट एक बार दिखाइए, पॉइंट कैसा है इसका? अच्छा हाँ, इसका पॉइंट तो यही मिल जाएगा जैसा कि ये है, यहाँ पर भी इसी से आप अटैच भी कर सकते हैं, यहीं से आप चार्ज भी कर सकते हैं जी। तो राज भाई, लास्ट में देख लेते हैं कि ये साइकिल जो है इसका प्राइस कितना आ जाता है, कितने में अवेलेबल है? लेकिन सर 46,500 का प्राइस है इसका जी, 46,500 में हम आपको गाड़ी देते हैं, टू ईयर वारंटी बैटरी और 1 ईयर वारंटी ऑन कंप्लीट बाइक। तो हमारे चैनल के थ्रू कोई आए तो कुछ एडिशनल, आपके चैनल के थ्रू आएगा तो उसका बिल्कुल सम्मान किया जाएगा, उसको बिल्कुल डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि फर्दर क्वेरी लोग विजिट कर सके साथ में। पहले मैं एड्रेस बता दूं यहाँ का? हाँ जी, यहाँ का एड्रेस है S1 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया Phase 2 अपोजिट ओम TVS। ओके, और शोरूम का नाम है पर्पल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जी। और यहाँ का मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ का मोबाइल नंबर है 8287999151 जी। जैसा कि यहाँ का आपको फुल कॉन्टेक्ट डिटेल मिल गया, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट राइड भी अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल, फ्री टेस्ट राइड अवेलेबल है, आप जब मर्जी आके टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, टेस्ट राइड कर लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये रहा सारा डिटेल इस और इस साइकिल को और इस गाड़ी को हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे इंडिया में भी डिलीवर कर सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा, पहुंचा सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप जिस पिन कोड पे मांगेंगे वहां हम डिलीवर करा देंगे इस गाड़ी। वाओ, बहुत ही अच्छी चीज है। तो जैसा कि आप लोग कॉल करके भी फिर तो उसको बुक कर सकते हैं, जहां भी देश के किसी भी कोने में है ये डिलीवर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये रहा सारा डिटेल इस इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में। अगर कोई चीज हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं शोरूम में। फिर मिलते हैं, थैंक्स एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू।